काम चल रहा है। अच्छा कुरकुरे पैकेट तैयार हो गए, देखो बनके सब मिलके काम कर रहे हैं, पूरी टीम। देखो हर्ष बाबा इधर ऐसे कौन कौन काम करता है सब मिलके बता। हेलो फैमिली, आप सब कैसे आए हो? कि आप सब अच्छे होंगे। और ये है चिल्पी घाटी, ये देखो हम लोग जा रहे हैं जबलपुर, और ये चिल्पी घाटी है। तेंदू फला है क्या जी? अंगूर? तेंदू? ए मधुमक्खी का शहद का छत्ता देखो कितना बड़ा है, वो देखो ऊपर में देखो पेड़ में लगाए वो होते। देखो गाइस चिल्पी के जंगल है ये घाटी, अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना जी। हाँ, घाट के ऊपर चढ़ रहा है। ये ऊपर में आ गए, अभी नहीं आया है। अब अभी और चढ़ेंगे ऊपर। थैंक यू। चिल्लाने लगे वो। थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चा लटका हुआ है। हेलो। हाँ? Thank you. He tried it. चिल्पी के ऊपर आ गए अब हम लोग, जो घाटी था उसको पार कर लिए। चिल्पी पहुंच गया? अभी तो उतरे नहीं, हो गए ना, चढ़ गया। यहाँ शिफ्टिंग चेंज होगा, पापा जी बगल में बैठेंगे और चलाएंगे। Lately I've been thinking way too much. Now whether I'd even call this love. I'm always in my head, you're always on your phone. It never seems to feel right. No plane is in the sky, no help is on the way. I don't know what you want me to say. Can't take another year, can't take another day. Can't wait until it feels right. ये सब बनने लगा जी इधर, तो क्या कह रहे? हाँ है रे, इटा आ गया। खेत बने बने हैं, वो सब जमीन है। जंगल कुछ दिन में पता ही नहीं चलेगा। ये चिल्पी का गांव है, ये भी कितना सुंदर दिख रहा है ना, बहुत सुंदर। ये देखो गाइस यहाँ का नजारा, है मंडला की नर्मदा मैया। उतर जाते हैं हम लोग, थोड़ा नारियल वारियल चढ़ाएंगे इधर रेवा मैया को। यहाँ तो पानी नहीं है, बब्बई साहब बोलते थे रेवा मैया फूट जाएगा। इधर तो पानी नहीं है यार, उधर जाना पानी पड़ेगा। यहाँ पर जाके चलिए। अच्छा ये लोग आ रहे हैं गाड़ी में, मैं जा रही पैदल पैदल यहाँ पर बीच में। और गाइस ये अब हम लोग आ गए हैं इधर, आने दो हमको भी जल्दी से, दौड़ के आ रहे हैं। हमारा भी बन रहा है ब्लॉग, ठीक है। हाँ ये देखो नर्मदा मैया को नारियल अर्पित कर रहे हैं। जय माँ नर्मदा मैया। हाँ जय। सिक्का डाल दी? सिक्का भी डाल दिए, नारियल भी गए, बस भैया मोबाइल बचा रहा है। नदी के पास।
माउथ फ्रेशनर खा रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है सफर में। पहुँचेंगे तब फिर, तब तक बने रहिएगा ब्लॉग में। ये मंडला के जंगल पेड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं, कलरफुल। ये लाल पीला, हाँ हरा। पहाड़ भी बहुत सुंदर दिख रहा है, देखो गाइस नजारा सफर बहुत अच्छा रहा। अब हम लोग पहुंच गए हैं, ये जगह है बस यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग का घर है, माई का। यही तो आधा घंटा जैसा रहा, फिर मम्मी जी बोले कैसे जाना है कि कैसा कुछ मन ही नहीं कर रहा, तो क्या जाएंगे बोले राजा जी, सीधा चल देते हैं। हाँ राजा बाबा थे नहीं, हाँ हम लोग गोरखपुर, गोरखपुर क्या कर रहे हम लोग आए तब भी से दादाजी से मिलने तो आएंगे, खैर ये तो है ना। हाँ ये नीचे बात जी, हम लोग आ गए हैं। अब ये मेरे मायके की तरफ है, ये है भाई साहब। हम 2 मिनट की रास्ता है, अब अंदर घुसेंगे। पर अब पहले जैसी खुशी नहीं होती यहाँ जाने से, जब पेरेंट्स नहीं होते हैं ना तो फिर वो सब यादें रहती हैं। बस ना चाहते हुए भी हम उन पलों को कभी भूल नहीं पाते हैं, और उस जगह पर जब आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा याद सताती है। हम लोग घर पहुंच गए, घर पहुंचने के बाद फ्रेश होके अब सब खाना खाने बैठ गए। यहाँ पे दीदी लोग भी हैं, बहनें हैं, चाची जी लोग हैं सारी, और मेहमान सब खाना खा रहे हैं साथ में। नहीं लगाए उतने टाइम लगा, क्यों लगाए? ले वीडियो बना दो हम लोग का, अच्छे से बनाना है। आराम से जो जरूर छोटी सी थी आपको वीडियो है हमारे पास, अच्छे से बनाने हैं फिर हम जाए डाले यूट्यूब पर, फिर देखना है। देखा तो को नहीं देखा तो हाँ जी, और देखना फिर हाँ बना ले, तुम भी ऐसे बना बना के डालना है। ले लो इतने बड़े हो गए, फिर अब अगली बार का पता कितने बड़े हो जाए आज अब तक। अब मिठाई बात
कसरत से ले लो सामने यहाँ से थालियां भी ले लो। दीदी जा रहे बस हो गया। ये मेरी बहन की बेटी है हिमानी, बहुत ही क्यूट और प्यारी है, भोपाल की बेटी। जो है जो अरे एक तो भैया बहुत उसका अरे भैया। और एमपी का नियम है कि जब किसी भी परिवार में गमी हो जाती है तो होली पे जाना बहुत ज़रूरी रहता है। गुलाल लगाते हैं सब एक दूसरे को, मिठाई लेके जाते हैं, तो बस इसी तरह का नियम है। और हमारे काका जी जब एक्सपायर हुए थे तो हम पहुँचे भी नहीं थे उस वक्त। हमारे यहाँ पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था तो अभी मैं गई हूँ। और ये हमारा जो घर है वो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, भाई है बस। और सूर्यांश तो मेरे पास है, बहुत याद आती है उस घर में जाओ तो। क्या करें, पहले एकदम चहल पहल और अब देखो तो एकदम, पर ठीक है, अच्छा है, हरा भरा है, अच्छा लग रहा है उस जगह जाके। और बस एक दिन रुके, उसके बाद हम लोग अन्हाई चले गए। अन्हाई में भी गमी थी तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था, वहाँ के लिए हम लोग निकल गए नाश्ता पानी करके। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं सब, हर्ष बाबा, और कुछ बातें लगी हैं। कोई आए थे यहाँ पर तो वो मिलने आए थे, तो बस मैंने कहा कि मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ। ये हमारे मंझले काका जी हैं, पांच भाई थे ये लोग, सबसे बड़े हमारे पिताजी, ये सेकंड नंबर हैं, और तीन और चले गए। ऐसे करके सारे लोग चले गए हमारे। और बस थोड़ी सी क्लिप इधर की भी है। और इस तरह से हम लोगों ने पिठेरा की जो यादें थी वो लेकर हम लोग वापस अब रिटर्न हो रहे हैं। और ये हमारा अब वापस जाना हो रहा है, पता नहीं कब जाएंगे लौट के, कह नहीं सकते कुछ। पर जो यादें हैं हमेशा सताती हैं, माता पिता बहुत याद आते हैं, और जो चले जाते हैं वो। और अब हम लोग अनाई के